की नाअहली के बाद नून लीग का पहला इंतहार। इन्हें 120 पर जिमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। बेगम कुलसूम नवाज, यास्मीन राशिद और फैसल मीर में कड़ा मुकाबला। मुतवा के फौज के निगरानी में पोलिंग स्टाफ में इंतखाबी सामान तकसीम। एन 120 के सूरत हाल से आज न्यूज रख रहा है अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर। हकायक पर मबनी तज्जिये, तबसरे और बर बखबरें नाजरीन की तवज्जो का मरकज। नए चेयरमैन नैब के लिए नाम फाइनल नहीं हुआ। असेंबली की मुद्दत 4 साल करने पर भी बात जारी है। नून लीग को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। इमरान खान भी इदारों के फैसले नहीं मानते। सखर में खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। आईजी सिंध से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, लेकिन उनसे मुतालिक अदालती फैसले पर तहफ्फुज़ात हैं। इमरान खान को क्रिकेट खेलने आती होगी मगर सियासत सीखने में उन्हें वक्त लगेगा। लाहौर की तरह कराची, हैदराबाद और सखर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस कराए जाए। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। दादू में पीपुल्स पार्टी का पंडाल सज गया। पार्टी नगमों पर जियालो का रक्स। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम खिताब करेंगे। इदारा तरक्यात कराची की अराजी की बंदरबात में डीजी केडीए आगाज नासिर अब्बास के मुलव्वस होने का इंकशाफ। ज्यादा घपले गुलिस्तान जौहर स्कीम में किए गए। करप्शन की रकम बैरून मुल्क मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में आयशा भवानी कॉलेज सील करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी। कॉलेज सील होने से तदरीस मुअत्तल हो गई थी। ये बहुत खुशाइन बात है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज का सिलसिला ऐसे ही जारी है। सारे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान के हर स्टेडियम में आकर खेले। आजादी कप का पाकिस्तान में इनकार जो है वो खुशाइंदा है और इससे अक्वामे आलम को ये पैगाम मिला है कि जो पाकिस्तान है वो अमन पसंद मुल्क है। I came over here and ensure that it's safe enough, then that will also go some way in convincing our players that inshallah in November we'll be here for a couple of games. So वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के सदर डेविड कैमरॉन ने पाकिस्तान को खेलों के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। नवंबर में वेस्ट इंडीज की टीम के दौरा करने की खुशखबरी भी सुना दी। कराची में ग्रेट पाकिस्तान रेंजर्स पुलिस जिंदाबाद साइकिल रेस का इनेकार। 45 मर्दों और 3 खवातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। रेस मजार कायद से शुरू होकर सी व्यू पर इख्तिताम पजीर हुई। बच्चों को माजूरी से बचाने का आजम। कराची में 6 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। 188 यूनियन काउंसिल्स में 23 लाख बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाए जाएंगे। पटेलपाड़ा में वालदैन का बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाने से इंकार। रजाकारों की सिक्योरिटी पर पुलिस और रेंजर्स मामूर। आईजी सिंध के जोनल आईजी को हिफाजती इकदाम का खुद जायजा लेने की हिदायत। कराची में सनती इलाकों का कचरा और जानवरों का फुसला समंदर को बर्बाद करने लगा। साहिली इलाकों में मछलियां तेजी से खत्म होने लगी। माहीगीर बेरोजगार होने लगे। मुजरे गैसों का इखराज रोके वरना कोरोनावायरस के गेट ओजोन लेयर खत्म हो जाएंगे। जमीन पर जीना नामुमकिन हो जाएगा। आज दुनिया भर में ओजोन लेयर के तहफ्फुज़ का दिन मनाया जा रहा है। लंदन में एक और हमले का खतरा। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बरतानवी वजीर आजम कहती हैं मखसूस मकामात पर पुलिस के बजाय फौजी जवान तैनात होंगे। गुज़श्ता रोज धमाके में 29 अफराद जख्मी हो गए थे। इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान की पार्लियामेंट ने आजादी रेफरेंडम 25 सितंबर को कराने का ऐलान कर दिया। इराकी हुकूमत पहले ही फैसले की मजम्मत कर चुकी। अमरीका को अपने खिलाफ कार्रवाई से बाज रखने के लिए ताकत का तवाजुन बरकरार रखना चाहते हैं। एटमी प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाएंगे। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने साफ कह दिया। पाक अफगान तोड़ खान गेट दूसरे रोज भी बंद। माल बर्दा गाड़ियों की कतारें लग गए।
फ्लैग मीटिंग में गेट खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज बम धमाकों के बाद सरहद बंद कर दी गई थी। मुल्क में शुतुरमुर्ग के गोश्त की मांग बढ़ने लगी। शुतुरमुर्ग पालने का कारोबार चमक उठा। पंजाब के इलाके तांगलियावाला में भी शुतुरमुर्ग के सैकड़ों फार्म बन गए।